अरे भाई जल्दी करो। हाँ ये लो। एक आमलेट पराठा। वाटर एंड ग्लास। इस जगह पर दारू पीना पिलाना दोनों मना है, ऐसा दीदी का हुक्म है। ओ, नाइट क्वीन के मिजाज इतने चढ़ गए। इस फास्ट पार्वती को तुमने क्या समझा है? ये लो। एक गिलास पानी देना। मोहन ने पानी मांगा सुनाई नहीं दिया? अभी देता हूँ दीदी। उस पकोड़े को पानी क्यों दे रहे हो? देंगे। सुना तुमने पार्वती, मेरा नाम मोहन है ना, फिर लोग क्यों मुझे पकोड़ा कह के बुलाते हैं? ऊपर वाले ने हमें हाथ पांव दिए हैं, चलने फिरने या खाने के लिए नहीं, जरूरत पड़ने पर। छोड़ो पार्वती, तुम्हारा हाथ पड़ गया तो वो मर जाएगा। अबे पकोड़े उससे शादी कर ले, गद्दे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फरुख छोड़ो ना पार्वती, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं, मुझे तुम पसंद हो। ए बत्ती सी दिखाए बिना काम करो। ज्यादा ही दर्द हो रहा है। ठीक है, अब तुम मारो। ए, मुझे नहीं, यहाँ मारने के लिए बोला था। ए, दीदी की तरह अगर तूने भी हाथ चलाने की कोशिश की तो गांव वाले तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। क्यों मोहन, क्या बात है? कुछ नहीं, ऐसे ही एक चाय चाहिए। ऐसे ही चाय नहीं मिलती, पैसे दो और चाय लो। एक चाय बना कर दो। ठीक है। मास्टर को दिखाने के लिए केवल एक ट्रायल किया। तुम्हें ऐसे देखने में कितनी खुशी हो रही है पता है? वो सब छोड़ो, आज स्पेशल क्या बनाया? तुम्हारे पसंद के चिकन नूडल्स, इसमें है, निकाल कर खा लो। निकालना काफी होगा क्या, खिलाना होगा। ठीक है, तुम रुको मैं नहा कर आती हूँ। दीदी पल्लवी के पास से लेटर आया है। क्या लिखा है? परीक्षा की फीस भरने के लिए 2000 रुपए मंगवाए हैं। तो इसमें क्या हुआ, कल ही भेज दूंगी। मैं तो नहीं पढ़ सकी, कम से कम तुम लोग तो पढ़ो। और 6 माह की छुट्टियों में वो नहीं आ पाएगी। क्यों, क्या हुआ? फाइनल ईयर है इसलिए लाइब्रेरी में काफी पढ़ाई करनी है। बस इतना ही ना। बताओ पहले कैसा है? वंडरफुल। लो। हाँ।
ये क्या सुरेश, दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा। हाँ, इस खुले दरवाजे की तरह मेरा मन भी है, शर्म लगती है तो बंद कर दो। मुझे नीचे उतारो, मुझे बाथरूम जाना है। ओफो, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। कारीगर नहीं आए? वो लोग कारीगर नहीं, ऑफिसर हैं। 9 बजे के बाद ही काम पर आएंगे। खैर ये सब छोड़ो, तुमने कोई नौकरी तलाश नहीं की? मैं कोई खास पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप दोनों राजनीति में हैं। कुछ दिनों में मैं भी नेता बन जाऊंगा, उसके बाद मंत्री। तुम मंत्री बन गए तो क्या करोगे? मैं मंत्री बन गया तो एक ही साल में तुम्हारी ये रोड स्टार दुकान 5 स्टार में बदल दूंगा। उसके बाद होटल में होने वाला पहला फंक्शन हमारी शादी का होगा। तुम्हारे इरादे काफी बुलंद हैं। अभी तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा, वक्त आने पर देख लेना। मोहन, बेटे मोहन। माँ ने अच्छा खासा सपना बिगाड़ दिया। मेरा सपना सच होगा? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी करूंगा तो पार्वती से। काफी देर से फोन बज रहा है, जल्दी आके उठा ले। इतना बढ़िया सपना था, इस फोन ने डिस्टर्ब कर दिया। क्यों बे, तेरी दीदी अभी तक काम पर नहीं आई? उस दिन का प्रसाद काफी नहीं था क्या? आज भी लगता है प्रसाद खाकर ही जाएगा। ए, तुमने कुछ बोला क्या? ए, दूसरों पर रोप झाड़ने से कुछ नहीं होगा, घर में रहने वाली लड़कियों को भी वश में करना चाहिए। ये तीनों बहनें अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, हमें सब पता है, हर एक ने अलग अलग आदमी पकड़ रखा है। क्यों बे मंगो, तुझे कोई और काम नहीं है क्या? दीदी आने वाली है, चुप हो जा। तेरे दीदी आने से मुझे क्या, उसकी छोटी बहन जो पल्लवी है ना, वो काशीनाथ मालिक के बेटे से प्यार करती है। हाँ। मर्द और औरत प्यार नहीं करेंगे तो क्या दुनिया में कुत्ते बिल्ली प्यार करेंगे? नहीं, मैंने जो सुना वो कहा। वो मेरे घर का मामला है, तुम इस तरह की बातें अब से कहीं पर भी मत बोलना, जल्दी खाकर दफा हो जा। शरीफ जी, मैं जरा मार्केट होकर आती हूँ, बैग देना। ये लीजिए। इंस्टीट्यूट में वेट करने के बजाय यहाँ क्यों चली आई? रहने दो विनोद, हमें सब भूल जाना चाहिए। कल ऐसा क्या हो गया बोलो? कल तुम्हारे पिताजी के गुंडों ने दुकान पर आकर काफी धमाल की, दीदी मुझ पर बहुत चिल्लाई। मैंने अपने बाप से पूछकर क्या तुम्हें प्यार किया, या तुमने अपनी दीदी से पूछकर प्यार किया? हम दोनों का मिलन अगर इस गाँव को पसंद नहीं आया तो हमें ये गाँव नहीं चाहिए। कहीं भी दो वक्त की रोटी कमाने की ताकत मुझ में है। इस उम्र में ये सब कहना बहुत आसान है, लेकिन प्रैक्टिकल अलग होता है। हार जाएंगे ऐसा सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कभी जीत नहीं पाएंगे। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ तुम्हारी खातिर। ये क्या सुरेश? रुको ना। के लिए मैंने मना किया था ना? फेंको उसे। हे, नाराज मत। इस ड्रेस में तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पता है? बस बस तो छोड़ो, पर बहुत सुंदर लग रही हो। बहुत हो गया। बहुत हो गया, बहुत हो गया तो कोई और आके मुंह मारेगा। मैं क्या कोई एप्पल हूँ? तुम्हें क्या पता, तुम्हारी ये गाल है ना बिल्कुल एप्पल की तरह है। पार्वती, लो मैं पकड़ लेता हूँ। रहने दो मोहन, हल्का ही तो है, मैं ही ले चलती हूँ। कोई बात नहीं, आखिर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है। पहले से ही हमारा नाम खराब है,
ऊपर से किसी ने हम दोनों को साथ देख लिया तो गांव वाले आपस में कानाफूसी करेंगे। चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। क्या हुआ? अपनी बहनों को किसी अच्छी जगह ब्याहने के बाद ही अपने बारे में सोचूंगी। तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, अब तो खुश? मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, मगर तुम्हारे पिताजी का बैकग्राउंड देखकर। तुम में क्या कमी है? तुम सिर्फ हाँ बोल दो, मैं कल ही अपने माँ बाप को यहाँ ले आऊंगा। ओके? तुमसे बहस करूंगी तो मैं हार जाऊंगी। चलो। अच्छा विनोद, हमारी शादी तुम्हारे घर वालों के खिलाफ अगर मेरी दीदी कर भी दे तो क्या तुम हमारे घर में रहोगे? हाँ, खुशी के साथ। अगर तुम मान जाओ तो शादी किए बिना कल ही हमारी फर्स्ट नाइट होगी। एक बार फिर से बोलो। बैठो। बात यह है कि कुछ बातें विस्तार से नहीं बता सकते, तुम खुद सोच कर देखो। इतनी जल्दी हो रही है? में नहीं आ पाऊंगी। तो एग्जाम्स के बाद मैं कहीं भी बुलाऊंगा आओगी ना? वो सब विधि पूर्वक अपनी शादी होने के बाद। शादी समझ गया, ये विधि पूर्वक क्या है समझा नहीं। तुम अपने पिताजी के साथ आकर मेरी दीदी से मेरा हाथ मांगना। ओहो, नाइट क्वीन पार्वती की बहन से मैं शादी करने वाला हूँ, मेरे पिताजी जान गए तब बस मुझे फासल करके परलोक भेज देंगे। क्यों, मेरी दीदी में क्या खराबी है? छे, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत खराबी है। क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ी मोटी है। मुझसे शादी मत करो। करूंगा, एक दिन तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं सीधा अपने घर ले जाऊंगा, हिम्मत के साथ पिताजी से बोलूंगा दिस इज माय वाइफ। तुम्हारे ऐसे बोलने से समझ जाएंगे रिटायर्ड मिलिट्री मैन। पार्वती, पार्वती कौन है? मैं हूँ मोहन। बैठो, मैं अभी आती हूँ। कैसे हो मोहन? ये क्या है? प्यार का तोहफा। किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, मैंने ही खरीदा है अपनी पार्वती के लिए। लेकिन ये अचानक क्यों? आज मेरा जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मेरे कपड़े खरीदने के लिए पिताजी ने मुझे पैसे दिए, मैंने तुम्हारे लिए भी ड्रेस खरीदा है। यह मेरा ड्रेस। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है, गुड सिलेक्शन। ये लो। एक्चुअली मुझे तुम्हें तोहफा देना चाहिए। वो सब तुम बाद में दे देना, पहले तुम ये पकड़ो। मुझे नहीं चाहिए मोहन। लेना होगा, ये लेके जल्दी से पहन कर आओ ना। मैं यहीं पर हूँ, तुम जाओ, जल्दी जाओ। ठीक है। साथ में थी। ये कैसा है? तुम इस ड्रेस में बिल्कुल फिल्मों की सुपरस्टार लग रही हो। ए, तुम झूठ बोल रहे हो। सच बोल रहा हूँ, मेरा जी करता है मैं तुम्हें ऐसे ही देखता रहूँ।
हेलो। कौन? मैं सुरेश की माँ का इकलौता भाई। मतलब? अंकल। सुरेश? काशीनाथ मालिक का बेटा ही है ना, बहुत से गेस्ट हाउस उनके पास किसी एक में होगा। यहाँ आएंगे क्या? तुम उसे कैसे जानती हो? लव है ना, केवल वही होगा, मारी जाओगी। अंकल, ये उपदेश नहीं चेतावनी है। तुम्हारी जैसी कई लड़कियों को मशवरा दे चुका हूँ, जिन्होंने मान लिया वो अच्छा जी रही हैं। पर उन्होंने मुझसे शादी। ये सुन सुन के मेरे कान पक गए। अभी तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी। तुम्हारी दीदी है ना फास्ट पार्वती, वो जानती है मालिक काशीनाथ कैसे आदमी है। अब से यहाँ कभी मत आना, जाओ। रोने से क्या फायदा? मैं तो सिर्फ रो ही सकती हूँ। मेरी पढ़ाई का सत्यानाश हो गया। इसका कारण मैं नहीं, तुम्हारी बहन है। मेरी बहनों के गुण और स्वभाव देखकर ही क्या तुमने मुझसे प्यार किया था? नहीं, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब संभल गया हूँ। तुम्हारी दीदी के बारे में तो पूरा गाँव उल्टा बोल रहा है। ऐसी स्थिति में हम दोनों की शादी कैसे हो पाएगी, सोच के देखो। मैं सोचकर जो जवाब होगा लिख भेजूंगी, उसके बाद ही मुझसे मिलना। रवि क्यों भागता हुआ आ रहा है? ऐसे ही कुछ हो गया होगा जो भागता हुआ आ रहा है। दीदी जल्दी से घर पहुंचो। किस लिए? पल्लवी के कॉलेज से कुछ लोग आए हैं। क्या बात हुई होगी पता नहीं। तुम सब्जी अच्छी तरह से काट लो, मैं जाकर देख कर आती हूँ। अपनी बहनों के लिए कितना दुख उठा रही है वो बेचारी, मैं भी देख ही रहा हूँ। मैं भी तो दुख उठा रहा हूँ, ये दिखाई नहीं देता है तुम्हें क्या? अरे मैं तो प्याज काट रहा हूँ ना। ओहो प्याज मत काट, मैं काट लूंगा, ला दे। काका पल्लवी ने खुदकशी कर ली। किस जगह पर? हॉस्टल में। मेरे लेटर्स और फोटोस, चाहे कुछ भी हो जाए वहां से हटा दो। नहीं मैं नहीं आ सकता। ओके छे, वो ऐसा करे कि मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या दीदी, हमेशा पल्लवी के बारे में ही सोचती रहती हो। मेरे बारे में बिल्कुल चिंता मत करना, मैं किसी के लिए कभी बोझ नहीं बनूंगी। मैं जानती हूँ दीदी, तुम उसका कितना अच्छा ख्याल रखती थी। क्या लेंगे? एक फ्राइड राइस। रवि एक फ्राइड राइस। दीदी 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 क्या बात है? वो लड़का है ना सुरेश पल्लवी का, जिससे वो आ
मैं कौन हूँ तुम नहीं जानते ना? मेरा नाम है पार्वती, यानी पल्लवी की बड़ी बहन। ए, तू मरने के लिए इसके साथ घूम रही है? ये कौन है सुरेश, कुछ भी बके जा रही है? पहले इसके साथ थी मेरी छोटी बहन पल्लवी। तुम्हें इस वक्त क्या चाहिए? मेरी पल्लवी। उसने आत्महत्या कर ली तो मैं क्या करूं? उसका कारण भी तो सिर्फ तू ही था। ये जो बोल रही है क्या वो सच है? तू क्या पागल हो गई है? हाँ, मैं पागल हूँ। अब एक शब्द भी बोली तो जान से। क्या हो रहा है? तू कौन है? मैं हूँ सुरेश का अंकल। ओह, तो इस वेश्यावृत्ति का ठेकेदार तू ही है? ए, क्या बोली? मार डालूंगा। ए, ज्यादा मत बोल, जबान खींच लूंगी। अब तूने किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की ऐसा मुझे पता चला तो धड़ से गर्दन अलग कर दूंगी। किसी को कोई शक तो नहीं हुआ? ऐसी कोई बात नहीं, दीदी को अकेला छोड़कर चली आई, इसी बात की चिंता हो रही है। हम दोनों शादी करके सेटल होने के बाद सभी से माफी मांगकर तुम्हारी दीदी को एक खत लिखेंगे। चल। सिंधु, फॉरेन चले? तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना? हाँ है ना। कहाँ पर जाएंगे? तुम्हें कौन सी जगह पसंद है? मॉरिशियस। अच्छा, वहाँ क्या खास बात है? यही जानने के लिए तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। ओहो, वीजा मिलने में कोई मुश्किल तो नहीं ना? उस कंट्री की पूरी कमाई निर्भर है टूरिज्म पर, इसलिए वीजा मिलने में क्या मुश्किल? तब तो अगले महीने ही हमारी शादी, हम अपना हनीमून मॉरिशियस में ही मनाएंगे। ओके। ए, अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? छोड़ दिए। मुझे भूख लगी और दुकान नहीं खुली। कहला क्यों दीदी, आज दुकान नहीं खोली? किसके लिए खोलूं? बदमनी नहीं आई? सभी लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं तो अकेली भी जी सकती थी, पद्मिनी और पल्लवी के लिए ही मैंने ये दुकान खोली थी। वो कहाँ है, नहीं बताया तो दुकान में आग लगा देंगे। मालिक के बारे में जानती हो ना, उनके हाथ लग गए तो जान से मार डालेंगे। खुद का बेटा है ये भी नहीं छोड़ते। इन माँ बाप के घर में लड़कियाँ शराफत से रहती हो तो भी तुम्हारे बदमाश मालिक के बदमाश बेटे उन्हें शराफत से नहीं रहने देंगे और इल्जाम लगाएंगे हम पर। आग लगाओ, हिम्मत है तो आग लगा कर दिखाओ, उसी में तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। ऐसे ही मालिक से बोल देंगे। अबे जा। चलो। पीछे पास भी तो जा सकते थे, देखा मैं इन पहाड़ों पर क्यों आए, मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। यही हमारे जीवन का शुरुआती पथ है, यहाँ बैठकर हम भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। बैठो। चल चल के मैं थक गई हूँ। आज का दुख ही भविष्य में हमारा सुख बनेगा। जब से मिले हो तब से इसी बात की रट लगा रखी है। घर से भागने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब चुप भी रहोगे, कुछ और बात करते हैं।
मैं तुम्हें उठा लूं? कोई जरूरत नहीं। ओ समझ गया, तुम पेट से होगी तभी उठाना चाहिए है ना? चुप रहो ना। पार्वती ने आज भी दुकान नहीं खोली, अगर मैं चलाऊं तो कैसा रहेगा? पूछूंगा तो क्या बोलेगी? पूछ के देखता हूं। ए, तुम उदास क्यों हो? दीदी के बारे में सोचकर हमें अच्छा रखने के लिए उन्होंने एक मर्द की तरह मेहनत की। तो इसमें क्या हुआ? जब हमारी हालत अच्छी हो जाएगी तो दीदी को अपने पास बुला लेंगे। अब ये खाओ, बाद में बात करेंगे। पास के पैसे खत्म होने से पहले ही कोई अच्छा काम ढूंढना होगा। बैंगलोर जाने की सोच रहा हूँ, वहां मेरा एक दोस्त है थॉमस, उससे मिलने पर काम मिल जाएगा। पूछताछ करके चले तो? हाँ ये भी ठीक है। ये क्या पार्वती? सभी तो छोड़कर चले गए, इस वजह से दुकान नहीं खोलना? किस लिए खोलूं? जीने के लिए। मैं अब किसके लिए जीऊं? मेरे लिए। यहां से शहर कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है ना? चाहे कैसी भी परेशानी हो, यहाँ आकर बैठने से शांति मिलती है। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे आतंकवादियों का अड्डा हो। तुम्हें डर लग रहा है? क्यों, नहीं लगना चाहिए। ऐसी बात नहीं, प्यार करने वालों को घबराना नहीं चाहिए। यहाँ कोई भूत प्रेत आ गया तो क्या करेंगे? मेरे होते हुए तुम्हें किस बात का डर? तुम क्या बहुत बड़े हीमान हो? तो क्या नहीं हूँ? ठीक है, अभी यहाँ से जाना है यही ना? चलो। हेलो, अरे तुम हो, और क्या खास बात है? हाँ वैसी कोई बात नहीं यार, कैसा भी काम हो मैं तैयार हूँ। दो दिन में? ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। दिल्ली से लौटते ही मुझे फोन करना, ठीक है? ओके देन, बाय, फिर मिलते हैं। ओके। बहनों के लिए मैंने कितने दुख उठाए, वो सब भूलकर दोनों ही मुझसे दूर चली गई। अब मैं किसके लिए जिंदा रहूं? मेरे लिए। मोहन,
कौन सा पाप किया जो ये पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है? कोई पाप नहीं किया, पुण्य के लिए। ये पहाड़ पे चढ़ने वाला पुण्य हमें नहीं चाहिए। चार लोगों के बीच में हम अगर गए तो वो लोग हमें पहचान लेंगे ना। चलो वहाँ चल के बैठते हैं। अंकल वहाँ देखो। ये सब यहाँ पर मामूली बात है, कोई जान पहचान वाले होंगे। मुझे तो कुछ मामला गड़बड़ लगता है। तुम लोग भी मुझे अंकल बुलाते हो, मेरा वर्चस्व देख कर ही ना जान पहचान से नहीं। सही कहा, तुम जमीन पे उड़ते हो, मैं आसमान पे उड़ता हूँ। नहीं,
दरवाजा खोलो। इसमें क्या है? इसमें केवल पुराना सामान है साहब। खोलो। इसमें लोग हैं साहब। कौन है? दरवाजा खोलो। मेरी पत्नी है साहब। दरवाजा बंद कर लो। बिना परमिशन के ही मैंने ऐसा बोल दिया, पुलिस से तुम्हें बचाने के लिए। अगर तुम चाहो तो पूरी जिंदगी मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो। जल्दबाजी नहीं, सोचने के लिए जितना भी टाइम चाहिए तुम ले सकती हो। मेरा तन और मन दोनों कलंकित हो गया। उसी कलंक को धोने के लिए एक पवित्र मन मेरे अंदर है। तुम क्या बोल रहे हो मैं समझा नहीं अंकल। पूरी जिंदगी क्या वो इस होटल से बाहर नहीं आ पाएगी? अभी वो जिसके निगरानी में है वो साधारण आदमी नहीं है। हम उसे पकड़ने जाएंगे तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। पहाड़ पे हमारे हाथों खून जो हुआ है। अंकल ये बात मुझे पहले भी बोल सकते थे ना। चलो यहाँ से चलते हैं। मगर वो हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। अंकल वो आपको कहीं भी दिखे सबसे पहले मुझे बताना, उसी दिन उसकी कहानी मैं खत्म कर दूंगा। तुम जैसे लोगों का साया ही मुझे चाहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे।
विनोद की मौत एक आत्महत्या है ऐसा अखबार में लिखा है। खून करने वाले खूनी का हमें पता लगाना होगा और वो काम तुम ही कर सकती हो। तुम्हारी मदद के लिए मैं तैयार हूँ। आपके सिवाय अब मेरा भी कोई नहीं है। कल तक मैं भी एक अनाथ था, कचरे के डिब्बे से निकालकर आश्रम में ही मेरा पालन पोषण हुआ। मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ, तुमसे मिलने के बाद ही मैं एक अनाथ नहीं हूँ ऐसा मुझे लगा। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। कल ही आश्रम में जाकर मदर से मिलेंगे, उनके आशीर्वाद से ही अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, ठीक है? नींद नहीं आ रही? मुझे एक मदद चाहिए, करोगे? एक क्या, हजार मदद मैं करूंगा। कल आश्रम जाने के रास्ते में अपनी दीदी को देखना चाहती हूँ। हम दोनों के बीच ये मदद मांगना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी कहानी सुनने के बाद उन्हें देखने की मेरी भी बहुत इच्छा है। सो जाओ। जल्दी से पत्ते बांट। जल्दी नहीं, मैं आराम से ही बांटूंगा। कुछ भी हो जीतने वाला तो नहीं ना? मैं जीतूंगा नहीं तो हारूंगा भी नहीं। हाँ ए मोहन, कहाँ जा रहा है? मैं
पार्वती को देखने के लिए जा रहा हूँ। तो आराम से जाना। आराम से नहीं जा सकता, पार्वती की बहन की इज्जत लूटने वाला सुरेश ट्रेन से टकरा कर मर गया। कहाँ? बिना गेट के रेलवे क्रॉसिंग में बाइक पे जा रहा था, उतने में ही ट्रेन आ गई और वो टकरा कर मर गया। उसके लिए वो सजा काफी नहीं? ये तो क्या बोल रहा है यार। अच्छा मैं चलता हूँ। वो देखो पद्मिनी। अरे पद्मिनी इस तरह भाग क्यों रही हो? मेरा फोन करने के लिए कोई मेरे पीछे पड़ा है। अगर इसे हाथ लगाया तो काट डालूंगा। बात मत बताना नहीं तो मार डालूंगा। हाथ पे नहीं आना बोल दिया, हाथ पे नहीं आना। अबे अपने बचाव के लिए ही मैंने ऐसा किया, वरना ये हमें मार डालता। दीदी को देखने के लिए ही हम लोग आए थे। दीदी से बोल देना मैं जा रही हूँ।